पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय गर्ल्स स्कूल के निकट बने एक गोदाम पर छापा मारते हुए वहां गुटखा और तंबाकू का भंडार सील किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस को आशंका है कि उक्त भंडारण के जरिए गुटखा की कालाबाजारी का खेल चल रहा है। पुलिस के मुताबिक गोदाम को सील किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि उक्त भंडार में भंडारण किए माल की जांच उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। यदि मामला कालाबाजारी से संबंधित पाया गया तो व्यवसायी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय मंगल चौधरी गेट के पास गोदाम बनाया हुआ है, जिसमें गुटखा, कुबेर, गिलवा वगैरह के पैकेट हैं, भारी मात्रा में छुपा के रखे हुए हैं। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे हैं और यहां पता किया गया है, दुकान मालिक बुलाया और दुकान मालिक ने कहा कि मैंने तो ये दुकान में अपनी जमीन अग्रवाल को दे रखी है। जमीन अग्रवाल को बुलाया और उसको खुलवाया, चेक करा कि भारी मात्रा में इसके अंदर गुटखा रखा हुआ था। काफ़ी पैकेट हैं, 10x20 की दुकान है जो भरी पड़ी है। इस संबंध में उच्च अधिकारीगण से बात की गई, जो तो उच्च अधिकारीगण ने आदेश दिया है कि जब तक कोई संबंधित अधिकारी ना आए इसको सील किया जाए, इस पर निगरानी जाए। हाँ, जब तक कालदा साहब मौके पर आ गए हैं, जिनकी हाजिरी में इसको सील किया जाए। बता दें कि कस्बा नांगल चौधरी में गुटखा तंबाकू का भंडार करते हुए इन चीजों की कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने सूत्रों का जाल फैलाया। गुरुवार को दोपहर बाद पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि स्थानीय गर्ल्स स्कूल के निकट बंद गोदाम से गुटखा आदि की सप्लाई की जा रही है और ये सारा खेल कालाबाजारी का है। सत्य खबर के लिए नांगल चौधरी से रामपाल फौजी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।